हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको एम सिक्स प्रो 5G फ़ोन है, तो पोको एम सिक्स प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने पोको एम सिक्स प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं पोको एम सिक्स प्रो 5G फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च करना होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट प्रॉब्लम। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको सर्च करना है। पर इस तरह से कोई भी ऑप्शंस नहीं आया, तो आपको सर्च करना है रीसेट, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। तो आपके फ़ोन में आ जाएगा ऑप्शंस, जिसके ज़रिए आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को इस ऑप्शंस के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो भी सेटिंग्स है नेटवर्क की, उसको रीसेट कर देंगे, और रीसेट करते ही नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन में। और सिंपली ऐसे आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो आप कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग्स पे जाकर भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपके पास ये ऑप्शंस आ जाता है, देख सकते हैं आप रीसेट का ऑप्शन। तो यहाँ से डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ सेटिंग, ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से ओके करते ही नेटवर्क आपकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पोको एम सिक्स प्रो 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।